नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। भारत में किसान आंदोलन चल रहा है। 2 महीने से ऊपर हो गए इस आंदोलन को। हम आंदोलन का विरोध नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी किसान पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन में बाहरी लोगों का क्या काम, ये सवाल लगातार पूछे जाते रहे हैं। इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए पहले ही खालिस्तानियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। रही सही बदनामी पॉप स्टार से लेकर पॉर्न स्टार तक ने कर दी और पूरे आंदोलन पर सवाल या निशान खड़े कर दिए गए। यहां तक कि पाकिस्तान की भी नजर इस आंदोलन पर थी। चाहे खुद के घर में खाने को दाने ना हो, लेकिन पड़ोस में क्या चल रहा है इस पर इनको पूरा इंटरेस्ट आता है। जी हां, पाकिस्तान की हालत यह है कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, और इस अम्मा को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसमें आता है कि पड़ोसी क्या कर रहे हैं। जी हां, भारत में हुई ट्रैक्टर रैली के तर्ज पर अब पाकिस्तान में भी ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। सोचिए किस बात का क्या मतलब कि जिस देश में वहां की आवाम को खाने के लिए आटा नहीं मिल रहा, अदरक के भाव सोने को टक्कर दे रहे हैं, केक देखकर पगला जाते हैं, वो देश किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कर रहा है। भारत में कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन की आड़ में ये खालिस्तानी, अलगाववादी और आतंकी ये सब सक्रिय हैं। भारत के खिलाफ ये कोई मौका नहीं चूकना चाहते, इसलिए भारत को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ना, खालिस्तानी अलगाववादी गोपाल सिंह चावला ने अब पाकिस्तान में ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। हाफिज सईद के करीबी गोपाल चावला ने इसे भारतीय किसानों के समर्थन में बताया है, लेकिन विदेशी धरती पर चलने वाली इस नौटंकी का मतलब सिर्फ भारत का विरोध करना ही है। ऐसा कहा जाता है कि गोपाल सिंह चावला पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है और वो लंबे समय से भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल भी रहा है। खालिस्तानी आतंकी और लश्कर ए तैयबा संस्थापक हाफिज सईद का सहयोगी गोपाल सिंह चावला इसने ऐलान किया है कि वो भारत सरकार के किसान कानून के खिलाफ पाकिस्तान में भारतीय सीमा तक ट्रैक्टर रैली निकालेगा। और चावला के इस ऐलान से ये तो साफ हो गया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भारत में किसानों के मुद्दों को भड़काने की कोशिश कर रही है। दरअसल चावला ने 2 मिनट का वीडियो जारी कर यह घोषणा की है। चावला ने वीडियो में कहा कि भारत में पारित किए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे किसानों के विरोध के साथ एकजुटता दिखाते हुए पाकिस्तान में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जाएगा। उसने आरोप लगाया कि पिछले साल विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से ही मोदी सरकार द्वारा सैकड़ों किसानों को मार दिया गया था। अब सवाल ये कि क्या ये बात भड़काने वाली नहीं है, क्या ये झूठ नहीं फैलाया जा रहा। खैर, कथित तौर पर आतंकी गोपाल चावला ने आगे कहा कि पिछले कई महीनों से भारत में किसानों पर जुल्म हो रहा है। किसानों के लिए मोदी वो बिल ले आया है जो किसानों को मंजूर नहीं है। मोदी टस से मस नहीं हो रहा है। सैकड़ों किसान शहीद हो चुके हैं। मुझे इसकी बहुत तकलीफ है। हम किसानों के समर्थन में एक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे जो ननकाना साहिब से शुरू होगी और वाघा बॉर्डर तक जाएगी। चावला कहता है कि बलूचिस्तान, पेशावर और लाहौर से भी ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। ये सभी रैलियाँ वाघा बॉर्डर पर मिलेगी। अब सवाल ये कि क्या ये इस आड़ में बॉर्डर पर कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं और देश की सीमा पर ट्रैक्टर रैली की आड़ लेकर आतंकी देश में घुसाने की प्लानिंग तो नहीं है। अगर भारी मात्रा में ट्रैक्टर लेकर आए तो इसकी क्या गारंटी होगी कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान है। क्या मालूम ये ट्रैक्टर की आड़ में टैंक भी लेकर आ जाए, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान भारत को धमकियाँ देते रहा है और पाकिस्तान के मंसूबे क्या हैं ये पूरी दुनिया को मालूम है। आपको बता दें कि गोपाल लश्कर ए तैयबा और हाफिज सईद का भी करीबी है। 2018 में भारत ने पाकिस्तान को गोपाल चावला के खिलाफ सबूत सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी। गौरतलब है कि इससे पहले 26 जनवरी को नई दिल्ली में किसानों ने ट्रैक्टर परेड की घोषणा की थी। हालांकि पुलिस ने शुरुआत में इसकी मंजूरी नहीं दी, लेकिन किसान नेताओं की जिद पर पुलिस ने शर्तों के साथ रैली निकालने की मांग को मंजूर कर लिया था। और उसके बाद जो हुआ उसे सबने देखा, उसे बताने की जरूरत नहीं है। 26 जनवरी के दिन हुई घिनौनी हरकत के बाद माना जा रहा था कि आंदोलन अब समाप्त हो चुका है। किसानों को अब देश की जनता का गुस्सा का सामना करना था, लेकिन इसके बाद ही विदेशी ताकतें सक्रिय हो गई। रिहाना से लेकर पॉर्न स्टार मियां खलीफा तक के ट्वीट आ गए और इस आंदोलन को मासूम किसानों को ही इन्होंने सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। और अब पाकिस्तान इस आंदोलन का समर्थन कर रहा है, इसका क्या मतलब है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।